आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है नंबर सिस्टम, और साथ में स्पेशली इंटीजर्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, जो क्लास 12 तक के बच्चों से गलती होती है। तो ये पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी हम डालेंगे और भी इसके बारे में थोड़ी डिटेल में। अभी हम बेसिक इसके देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम पर आते हैं, हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है, एक तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 एंड इनफिनिट तक जाता है। ये होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड इनफिनिट तक जाएगा। इंटीजर क्या होता है, ये मिड में 0 आके 0 से हम जैसे जैसे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -1, -2, -3, -4 ऐसे, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर नेचुरल नंबर कहेंगे तो वो है 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर हम नहीं बता सकते। अब हम एक सिंपल सा एक सिंप्लीफिकेशन लिए इंटीजर के ऊपर। अब ये +4 है, +7 है, दोनों में पॉजिटिव नंबर है, तो ये 4 + 7 क्या हो जाएगा, 11, और साइन भी किसका आ जाएगा, पॉजिटिव का। पॉजिटिव एक में नेगेटिव, याद रखना जब भी दो अपोजिट साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। 7 से 4 गया 3, और साइन किसका लगेगा, दोनों में से जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है 7, 7 के क्या है आगे, क्या है, नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा -3। ऐसे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नंबर क्या हो जाएंगे आपस में, -7 + 4 - हो गया 3, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़े नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन को जल्दी हम नहीं लगाते, पर यहाँ पर शो करें लगा के। ना अगर कोई साइन हमने नहीं लगाया है, मतलब वहाँ पर पॉजिटिव साइन है, फिर दोनों में नेगेटिव साइन हो तो नंबर क्या होंगे, प्लस, 7 + 4 = 11, और साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का, बड़े नंबर का साइन नेगेटिव। तो याद रखना कि जब भी अपोजिट साइन हो, नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, और सेम साइन हो, नंबर आपस में ऐड होंगे। सेम साइन ऐड, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, और जो ये जो साइन है वो लगेगा किसके नंबर के अकॉर्डिंग, जो बड़े नंबर में साइन है वो लग जाएगा। दोनों में अगर नेगेटिव साइन है तो हमेशा ही नेगेटिव साइन आएगा। तो सेम कुछ ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ट्राई आउट, ट्राई दिस एंड आंसर। अब इंटीजर्स के हमने ना कुछ सिंप्लीफिकेशंस लिए हैं, जब ये ब्रैकेट इस टाइप के आते हैं, तो क्योंकि नॉर्मल जो सिंप्लीफिकेशन हमने दो नंबर्स के इसके पहले की वीडियो में देखे, अगर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस हो, अंदर भी माइनस हो, तो ये प्लस हो जाता है। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का, तो माइनस हो जाएगा। माइनस बाहर है, अंदर प्लस है, तो भी माइनस हो जाएगा, और दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ये रूल ध्यान में रखते हुए यहाँ भी वही रूल है, सेम साइन है। साइन की बात करें यहाँ पर, साइन है ना, ये हम साइन की बात करें, नंबर के साथ क्या होगा वो हमने पिछली बार बताया कि नंबर ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, हमने देखा। यहाँ पर साइन, अगर दो नेगेटिव साइन है, सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन नेगेटिव। अब जैसे इसको अगर सॉल्व करें, तो सबसे पहला काम क्या है कि ब्रैकेट को हम हटा लें। अब जैसे अभी बाहर ही माइनस, अंदर ही माइनस है, बाहर माइनस, अंदर माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 3, फिर यहाँ पे बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -6। इसके बाद सिंप्लीफाई में क्या करना, दो दो नंबर की कर ले, दो दो नंबर करके हम करेंगे। जैसे 5 + 3 क्या हो गया, 8, फिर -6, एंड 8 - 6 क्या हो जाएगा, सिंपली 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी सबसे पहले ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं तो क्या हो जाने वाला है, ये 7 - +3 - -++4। फिर इनको दोनों को सॉल्व करना है, और जो इसका आंसर आएगा उसको 4 के साथ करना है। 7 से 3 कितना हो गया, 4 + 4 = 8। तो इसको ट्राई करके आंसर